खौफनाक हत्याकांड दर्ज किया गया, जहां पर तंत्र मंत्र से पैसे की बारिश करने का झांसा देकर दो युवकों ने ट्रांसपोर्टर को जिंदा जला दिया। ट्रांसपोर्ट ठेकेदार की नृशंस हत्या। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर जिंदा जलाया, ठग गिरोह ने उतारा मौत के घाट। एक कातिल गिरफ्तार, दूसरा फरार। रायपुर के अभनपुर थाना इलाके में बेहद खौफनाक वारदात दर्ज की गई है, जहां तंत्र मंत्र से पैसे की बारिश कराने का झांसा देकर दो तांत्रिकों ने ट्रांसपोर्टर को जिंदा जला दिया। मृतक अफसर सिंह ठाकुर पिछले 15 दिन से लापता था। पुलिस ने गांव के दो तांत्रिकों को गिरफ्तार किया, जो तंत्र विद्या के नाम पर आसमान से रुपयों की बारिश कराने का झांसा देकर ठगी किया करता था। दोनों शातिर आरोपी देवेंद्र और सरगुन दास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। थाना अभनपुर में गुम इंसान पर से एक मर्ग कायम हुआ, मर्ग पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है हत्या का। इसमें आज एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये तंत्र मंत्र कर ठगी करने वाले समूह का एक सदस्य अवसर सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति का गुम रिपोर्ट आया था, जिस पर से जांच किया गया, आरोपी को पकड़ा गया। उसने बताया कि बोरिया कला के पास एक खेत में उसको क्लोरोफार्म सुंघाकर अचेत अवस्था में उस पर पेट्रोल डालकर आसपास सूखी लकड़ी और घास डालकर जला दिए थे। वहां पर से कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ उसके जींस के टुकड़े, कपड़े मिले और श्री यंत्र मिला, जिसके आधार पर मृतक की पहचान अभी की गई है। इसमें और कितने आरोपी है? एक आरोपी अभी फरार है, एक आरोपी को पकड़ा गया है। दरअसल जब मृतक के परिजन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए, तब उन्होंने ये भी बताया था कि अफसर सिंह पिछले एक साल से तंत्र मंत्र के जरिए करोड़पति बनने के चक्कर में पड़ा था, जिसके बाद देवेंद्र और सरगुन दास पुलिस के शक के रडार पर आ गए। जब पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया, तो इस संगीन हत्याकांड की परत दर परत खुलती चली गई और कत्ल का खुलासा हो गया। दोनों आरोपी पिछले 6-7 वर्ष से झरण के नाम पर पैसा दोगुना करने का, 10 गुना करने का झांसा देते थे लोगों को। नगद जितना जमा करोगे उसका 10 गुना पैसा हम नोटों की बारिश करा देंगे, ऐसा झांसा देकर के लोगों को ठगते थे। इसी कड़ी में मृतक पिछले एक साल से इनके ग्रुप का सदस्य बन गया था और अपने परिचितों को, आसपास के लोगों से लाखों रुपए इसने ठगे थे। आरोपी देवेंद्र के बयान के मुताबिक अफसर सिंह पिछले एक साल से उनके साथ घूम रहा था और खुद भी अपने 40,000 रुपए तंत्र विद्या के जरिए 10 गुना के चक्कर में गवा चुका था, जिसके बाद वो भी दूसरे लोगों को ठगने लगा। लेकिन अफसर सिंह ने देवेंद्र और सरगुन दास की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और धमकी देता था कि वो पुलिस के सामने दोनों की सच्चाई खोल के रख देगा। बस इसी वजह से आरोपियों ने अफसर सिंह ठाकुर को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। देवेंद्र बया जो अभी गिरफ्तार हुआ है, ये गांव का कुटवार है और फरार आरोपी बैगा है। देवेंद्र बया का पुराना रिकॉर्ड क्रिमिनल ऑफेंस के रहा है। 10-12 साल पहले वो गांव में कुंवारी हड्डी के नाम पर एक 12 वर्षीय बच्ची की मौत पर दफनाने के बाद उसके हाथ की हड्डी को ले आया था, जिस पर से इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था। वारदात वाले दिन दोनों ने प्लानिंग के तहत अफसर सिंह को पूजा करने के बहाने बुलाया और आधी रात के वक्त एक खेत में ले गए, जहां तीनों ध्यान में बैठे। लेकिन तभी एक आरोपी ने अफसर सिंह को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और उस पर पैरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। अगले दिन सबूत मिटाने के लिए कंकाल को भी बोरी में भरकर अलग अलग जगह फेंक दिया। पुलिस ने मौके वारदात से मृतक की जींस के जले टुकड़े और श्री यंत्र बरामद किया। रायपुर से स्वराज संवाददाता विनोद दुबे की रिपोर्ट।